विधानसभा और लोकसभा में बड़ी हार के बाद कांग्रेस विधानसभा घेराव करने जा रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैज के नेतृत्व में अब तक का ये सबसे बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है। नगरीय निकाय चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस सरकार के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन कर कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करना चाहती है। कौन कौन से मुद्दे हैं जिसे लेकर कांग्रेस प्रदर्शन करने वाली है, जानिए विस्तार से। नगरीय निकाय चुनाव के पहले कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन। 24 जुलाई को कांग्रेस पार्टी विधानसभा का करेगी घेराव। प्रदेश भर से कार्यकर्ता बड़ी संख्या में होंगे शामिल। कानून व्यवस्था और बिजली कटौती को लेकर होगा प्रदर्शन। प्रदर्शन कर कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करेगी कांग्रेस। नगरीय निकाय चुनाव के पहले कांग्रेस जनता से जुड़े मुद्दे को उठाकर जनता को ही साधना चाहती है और बीजेपी पर करारा प्रहार कर रही है, जिसे लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर तंज कसा और कहा कि बीजेपी की सरकार इस प्रदर्शन से डरी हुई है और अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए हथकंडे अपना रही है। इस विधानसभा घेराव के लिए पूरे प्रदेश भर से हमारे हर ब्लॉकों से हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हो रहे और हमारा घेराव शांतिपूर्वक रहेगा, बिगड़ती कानून व्यवस्था और लचर कानून व्यवस्था को लेकर। वहीं कांग्रेस के इस बयान पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर तंज कसा, कहा कि कांग्रेस केवल और केवल राजनीति कर रही है। विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश का विकास हो रहा है, सरकार जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा कर रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी केवल और केवल राजनीति कर रही है। आज छत्तीसगढ़ की सरकार विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के आम जनता की इच्छा और आकांक्षाओं को पूरा करने का काम कर रही है। प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस पार्टी की तैयारी भी दिखा दी और इस प्रदर्शन पर बीजेपी क्या कह रही है उसे भी दिखा दिया, लेकिन अब प्रशासन की क्या तैयारी है वो भी हम आपको दिखाते हैं। पुलिस विधानसभा घेराव में भारी संख्या में जवानों की मुस्तैदी करने वाली है। 24 जुलाई को लगभग 1000 पुलिस जवान घेराव के दौरान तैनात रहेंगे। साथ ही अलग अलग जिलों से जवानों को भी बुलाया जाएगा। इसके अलावा जिस रूट से कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता घेराव करने पहुंचेंगे, उस रूट में कई तरह के स्कूल भी पढ़ते हैं और इसीलिए उन स्कूलों को भी बंद करवाया जाएगा। कांग्रेस पार्टी कल विधानसभा घेराव करने जा रही है और घेराव के लिए बड़ी तैयारी प्रशासन ने कर रखी है। उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, विधानसभा का रोड है, उसके पहले किस तरीके से बड़े बड़े जो है लकड़ियों को गाड़ा जा रहा है ताकि ये बैरिकेड 15 जगहों पर लगाई जाएगी और 15 जगहों पर अलग अलग तरीके से इसी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था किया गया है। कल जो है कांग्रेस पार्टी का एक दिवसीय विधानसभा घेराव करने का कार्यक्रम के संबंध में जानकारी प्राप्त हुआ है। इसके लिए जो पार्टी से संबंधित जो पदाधिकारीगण हैं उनसे बातचीत किया गया है, जिसमें उन्होंने लोग जो मंडी गेट है पुराना मुआ एरिया में लोधीपारा चौक में एकत्रित होकर के आम सभा करने के बाद फिर घेराव के लिए निकलने के संबंध में जानकारी दिए हैं। नगरीय निकाय चुनाव के पहले कांग्रेस जनता से जुड़े मुद्दे उठाकर प्रदेश की जनता को साधना चाहती है। इसके अलावा इस प्रदर्शन के माध्यम से कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने का प्रयास भी करेगी। अब देखना होगा कि जनता से जुड़े मुद्दे उठाकर कांग्रेस कितना जनता को साध पाएगी। विस्तार न्यूज के लिए रायपुर से हुमन साहू की रिपोर्ट।